हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। चेन्नई एक ऐसा भारत का पोर्ट शहर है जिसे इंडिया का ऑटोमोटिव हब माना जाता है। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि देश के डिमांड में 30-35% ये अकेला शहर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये शहर ऑटो बना कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके लिए समझना जरूरी है कि चेन्नई की हिस्ट्री क्या थी और फ्यूचर में भी ये ऑटोमोबाइल हब रहेगा या क्या चीजें होगी, अब समझने की कोशिश करते हैं। वैसे दोस्तों, चेन्नई मद्रास एक बहुत ही ज्यादा छोटा विलेज हुआ करता था कोस्टल एरिया के अंदर, जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। और ये क्षेत्र ज्यादातर अगर आप देखें तो ब्रिटिश राज के दौरान ही एक्सपांड हुआ, जिन्होंने इसे एक मेजर पोर्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट किया और यहाँ पर आज ही अपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, पहले नहीं जाना जाता था। चेन्नई इंडिया का ऑटोमोबाइल हब कैसे बना, उसके पहले ये समझना जरूरी है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे थी। अगर आप डायरेक्टली चेन्नई के पार्ट में स्किप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है कि 19वीं सेंचुरी में ही भारत के अंदर कार्स वगैरह इंपोर्ट होना शुरू हो गए थे। बनते नहीं थे इंडिया के अंदर, वो इंपोर्ट होते थे दूसरे देश से, जहां पर भारत में ब्रिटिश ऑफिसर्स और कुछ वेल्दी इंडियन पर्सनालिटीज के द्वारा ही इन्हें यूज किया जाता था। कॉमन पॉपुलेशन तो बैलगाड़ियों पे चलती थी। साल 1930 तक भारत में इसी प्रकार की ऑटोमोबाइल मार्केट चल रही थी, लेकिन 1940s में एक बदलाव आया जब भारत की आजादी होने के पहले हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर जैसी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए भारत में। ये कंपनीज करती ये थी कि फॉरेन ब्रांड्स के कार मॉडल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करती थी, और इसके वजह से कई पॉपुलर ब्रांड्स भी इंडिया में देखने के लिए मिले। भारत जो एम्बेसडर कार है वो असल में फॉरेन कार ब्रांड मॉरिस मोटर्स की मॉडल मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी। और आजादी के बाद बहुत सारी इस तरीके की ऑटोमोटिव कंपनीज बनी जो 1952 के बाद में काम कर रही थी। 1952 के अंदर एक मेजर चेंज ये आया था कि भारत सरकार ने टैरिफ कमीशन का गठन किया था, जिसके अनुसार अभी सारी ऑटोमोबाइल कंपनी सिर्फ पार्ट्स असेंबली नहीं कर सकती थी बल्कि अपनी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर सकती थी। ये इंडियन कंपनीज के लिए तो ठीक बात थी, लेकिन इसकी वजह से कई फॉरेन ब्रांड्स इसके खिलाफ थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके मॉडल्स को फायदा मिल रहा था पहले वाले रूल्स से। और कई कंपनीज यहाँ पर भारत छोड़ के चली गई, जिनमें से एक फोर्ड भी थी, और बाद में ये कंपनी फिर आएगी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इंडियन मार्केट इतनी कुछ तेजी से ग्रो हुई नहीं, और जो इंडस्ट्री थी वो भारत के कई राज्यों में फैली हुई थी, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, नॉर्थ में थोड़ा बहुत था, लेकिन चेन्नई कोई ऐसा हब नहीं हुआ करता था। ये चीज कंटिन्यू हुई 1980s तक, जहाँ पर भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ना के बराबर ग्रो हो रही थी और बेसिकली यूटिलिटी सर्विसेज और टू व्हीलर्स वाली कंपनीज ही अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। लेकिन इसके बीच में चेन्नई को 5 ऑटोमोटिव ब्रांड्स मिलते हैं जो फ्यूचर में इसको हब बनाने के लिए इनिशियल भूमिका निभाते हैं। ये ब्रांड्स थे अशोक लेलैंड, रॉयल एनफील्ड, टीएफई या ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, टीवीएस मोटर्स और हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। इनमें से 2 फैक्ट्रीज तो वैसे दोस्तों गवर्नमेंटल ही थी, जहां पर ये कंपनीज इंडिया के लिए टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने काम करती थी, जहां पर चेन्नई को इसके लोकेशन का चूज किया गया था। जबकि दूसरे जो ये ब्रांड्स थे इनके लिए ये कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं थी दोस्तों। ये 1980s है, जहां पर अशोक लेलैंड, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस ये कोई मेगा कॉर्पोरेशन नहीं है जो फॉरेन की कंपनीज को भी ओन करने लगे थे। ये छोटी छोटी कंपनीज हुआ करती थी और इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। चेन्नई में जो मेजर सबसे बड़ा फायदा आया वो था 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। 1991 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जहां पर भारत को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बनाया गया। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन यहां पे हुआ। ज्यादा तो लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि 1991 के पहले फॉरेन कंपनीज आके भारत में डायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकती थी। इंडियन भी आज बिजनेस अब करना चाहते थे तो लाइसेंस राज चलता था, और जो लोग लाइसेंस होल्ड करते थे, गवर्नमेंट के साथ में अच्छे रिलेशंस रखते थे, सिर्फ वही बड़ा बिजनेस कर सकते थे। इंडिपेंडेंटली प्राइवेटली बिजनेस चलाना ना के बराबर पॉसिबल था। लेकिन इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के वजह से चेन्नई को एक कैटलिस्ट के तौर पर चीजें मिली। 1996 में यहां पर मद्रास का नाम चेंज होकर तब चेन्नई हुआ, और 1995 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नई पहचान तब मिली जब फोर्ड, जो भारत छोड़कर वापस रीएंट्री करने की कोशिश कर रही थी, वो इंडिया में एक पार्टनर ढूंढ रही थी। जैसे मैंने पहले कहा, फोर्ड 1950s के रिफॉर्म्स के बाद में चली गई थी, लेकिन 1991 के बाद फिर से उन्होंने एंट्री की, और अभी आप जानते हो रिसेंटली फिर से चली गई, तो फोर्ड बहुत बार आई गई है इंडिया में। इन्होंने ढूंढा एक जॉइंट वेंचर के लिए इंडियन कंपनी। उस जमाने में रूल था कि कोई कंपनी अगर भारत में आगे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो इंडियन कंपनी के साथ में उनका जॉइंट वेंचर होना जरूरी है। आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि हीरो होंडा के नाम से बाइक्स बिकती थी, सिर्फ हीरो या सिर्फ होंडा की नहीं, और इसी तरीके से यहां पर फोर्ड को भी कोई पार्टनर चाहिए था, जिसके अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया। अब ये चाहते थे कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री
करी, वो खोली, और ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था क्योंकि तब तक के लिए ये देश की वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी। अब फैक्ट्री खोलने के लिए कई सारी चीजें फोर्ड के सामने थे कि वो कहां पे खोले, कौन से गवर्नमेंट उनको साथ देगी, लेकिन इसके लिए लोग अजम्पशंस तो कर रहे थे, लेकिन फोर्ड ने अपना रिसर्च एंड डिस्कशन किया जहां पर इन्होंने तमिलनाडु को चुना। और 1995 में चेन्नई के पास में मरेमलई नगर के अंदर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। लोग सोच रहे थे कि फोर्ड महाराष्ट्र या कर्नाटक में जाएगी, लेकिन फोर्ड ने तमिलनाडु को क्यों चुना ये समझते हैं, और ये फोर्ड के रीजन ही बाद में जाकर चेन्नई को एक हब बनाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। पहले थी चेन्नई की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। मैंने पहले आपको बताया कि 5 ऑटोमोबाइल कंपनीज जो यहां पर काम करती थी वो ऑलरेडी इतना काम तो कर ही रही थी कि जो छोटे मोटे पार्ट्स लगते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर वो यहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे थे। चेन्नई के पास में जो टियर 2 टियर 3 सिटीज थी वहां पर ये फैक्ट्री सेटअप थे और अच्छे स्केल पर ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। फोर्ड को दोनों ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ चार्जेस बचाने के लिए ये चीजें बेहतर थी, और ये वैसे $1.2 बिलियन का उस जमाने में आउटपुट देते थे जहां पर 45,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट थी, तो इंडिया के लिए तो कंपोनेंट्स के सबसे एक अच्छा एरिया था। दूसरा था अबंडेंस ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग चाहिए, और 1960s के दौर में तमिलनाडु महाराष्ट्र इन दोनों स्टेट्स में अच्छे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बन तो रहे थे, लेकिन चेन्नई के पास में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एस्टैब्लिश किया गया था। इसके कारण यहां पर ऐसे चांसेस ज्यादा थे कि जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो चेन्नई ही बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाएगा। वैसे चेन्नई में आज भी 934 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो ऐसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। तीसरी थी एक बहुत ऑब्वियस रीजन जो कई रीजन को मिलती है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट। चेन्नई ही पोर्ट सिटी थी हिस्टोरिकली। 1948 से ही यहां पर अशोक मोटर्स ने कुछ कुछ चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू की थी। ब्रिटिश लेलैंड का जो जॉइंट वेंचर था वो आगे जाकर अशोक लेलैंड बना भारत में, जब पूरी कंपनी बिकी तब। रॉयल एनफील्ड की स्टोरी भी कुछ सिमिलर है। तब से ये पोर्ट हेवीली ऑटोमोबाइल के हिसाब से ही सेटअप था, और ये पोर्ट फोर्ड को भी फायदा दिला सकता था। और चौथा जो सबसे बिगेस्ट फैक्टर आप कह सकते हो वो थे एफर्ट्स बाय जे जयललिता। फोर्ड के डील को करने के लिए सबसे बड़ा श्रेय उस वक्त के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्रीमती जे जयललिता को दिया जाता है। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद कई फॉरेन ब्रांड्स ने इंडिया में एंट्री ली, पर गवर्नमेंट्स को इन्वेस्टमेंट को मैंडेट देने के लिए दिक्कत आ रही क्योंकि किसी भी स्टेट ने कभी भी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसी के बीच जे जयललिता जी ने फोर्ड को प्लांट सेटअप करने के लिए अप्रोच किया और उन्हें सारे रिक्वायर्ड फैसिलिटीज देने के लिए भरोसा दिलाया। फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शुरू होने से दूसरी फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनीज का भरोसा इंडिया के चेन्नई शहर पर बढ़ा, जिसे बेंगलुरु के साथ हुआ था आईटी के लिए, और इसके बाद में ह्युंडई मोटर कंपनी, बीएमडब्ल्यू एजी, डायमलर एजी, रेनॉल्ट निसॉन अलायंस, मित्सुबिशी मोटर्स, यामाहा मोटर्स, इन कंपनीज ने एक के बाद एक चेन्नई के गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए या तमिलनाडु के गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए अपने ऑटोमोटिव या ऑटो कंपोनेंट प्लांट्स का निर्माण शुरू किया। और चेन्नई के पास में आप धीरे धीरे आप कह सकते वो लीड आने लगी ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स डेवलप करने के लिए, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स या फिर बड़े व्हीकल्स। आज भारत दुनिया के टॉप 5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में आता है, और इसका सबसे बड़ा कारण चेन्नई है। कुछ लोग चेन्नई को अमेरिका के डेट्रॉइट से भी कंपेयर करते हैं, जो एक जमाने में वहां का और पूरे दुनिया का ऑटोमोटिव हब हुआ करता था। पर क्या चेन्नई हमेशा भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लीड करता रहेगा? इस बात को थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। एक समय पर सिर्फ महाराष्ट्र ही तमिलनाडु का कंप्यूटर हुआ करता था, जब पुणे, नासिक, संभाजीनगर और नागपुर इन शहरों में भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन ऑब्वियसली यहां पर सरपास कर लिया था चेन्नई ने। लेकिन आज हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर के अंदर भी हमें बहुत बड़े स्केल पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते हुए नजर आती है, और देश के कुछ बिगेस्ट ऑटोमोबाइल प्लांट्स चेन्नई के बाहर भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेन्नई को लॉस ऑफ बिजनेस हो रहा है। चेन्नई का बिजनेस बढ़ तो रहा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में भी ग्रो हो रहा है। तो एज एन सिंगल हब ये मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये एक हब तो बनेगा। साथ साथ ऑटो के साथ में चेन्नई एक रेल हब भी है, जो कहीं ना कहीं पर इसके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो अगर इन कंक्लूजन कहे तो चेन्नई के मिले हुए पहली 5 इंडस्ट्रीज, कंपोनेंट इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फोर्ड का ट्रस्ट दिखाना, पॉलिटिकल विलिंगनेस, ये रीजंस बनते हैं कि क्यों चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में आप मुझे सजेशंस दे सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो। चेन्नई जो तमिलनाडु का स्टेट कैपिटल भी है और इंडिया का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, आज कुछ एक वजूहात का पता चल रहा है कि चेन्नई कैसे इंडिया में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना। 5 कंपनियां जो इब्तदाई तौर पर इस शहर में आई थी उन्होंने बुनियाद रखी थी चेन्नई शहर को ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर सबसे मरकजी किरदार 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने किया था, जो उस वक्त के वजीर खजाना मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए थे। और उसके बाद से ही भारत में बैन अलावामी कंपनियों और सरमायाकारों की आमद मुमकिन हो पाई थी। भारत में लाइसेंस राज का खात्मा हुआ था और बाहर से आने वालों के लिए भी कारोबार करने की सहूलत पैदा की गई थी।
फोर्ड जो 1950 की दहाई में चेन्नई शहर को छोड़कर जा चुकी थी वो दोबारा से पलटी और 1995 में जब उसने अपने प्लांट का आगाज किया उसे जबरदस्त कामयाबी देखने को मिली और उसकी वजह से चेन्नई इंडिया में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया। फोर्ड के लिए इंडिया के किसी शहर का इंतखाब करना अच्छा खासा मुश्किल था, लेकिन उसने चेन्नई के आसपास का इंतखाब किया जिसकी चंद एक वजूहात बयान की जा रही थी। पहली वजह यह थी कि पहली 5 कंपनियों के होने की वजह से इस इलाके के आसपास स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां भी वजूद में आ चुकी थी और इसके बाद यहां पर टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए भी अदारे मौजूद थे जिसकी वजह से यहां पर मैन पावर को हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान था। और एक वजह यह थी कि सी पोर्ट पास होने की वजह से खाम माल की और तैयार शुदा माल की आमदोरफ्त भी आसान थी। जबकि चौथी और सबसे अहम वजह यह बताई जा रही थी कि उस वक्त की तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर ने फोर्ड का इतमाद हासिल करने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया और उनके इस फैसले ने चेन्नई को ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। आज भारत में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज के प्लांट भी देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि फोर्ड एक जमाने में यहाँ पर आके कामयाब हो गया था। हैरानकुन तौर पर इस पूरी वीडियो में टाटा ग्रुप का कहीं भी जिक्र नहीं मिला, क्योंकि टाटा ग्रुप इंडिया में कार बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी माना जाता है। पिछले दिनों से कोई ऐसी खबरें सुनाई दे रही थी कि टाटा ग्रुप में कोई इनकलाबी कदम उठाया गया है इंडिया में कारों की मैन्युफैक्चरिंग को लेके। टाटा ग्रुप ने भारत के शहरियों के लिए सस्ती गाड़ियों के बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज तक जारी है और टाटा ग्रुप ने कभी भी अपने मेयार पर समझौता नहीं किया और टाटा की गाड़ियां आज भी भारतीयों का एतमाद हासिल करते हुए कामयाबी के साथ अपने बिजनेस को चला रही हैं। अब अगर चेन्नई में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर की बात की जाए तो वो कुछ डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया की कई एक रियासतों में मेगा प्लांट भी ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम महाराष्ट्र के पुणे में भी दिखाई देता है। लेकिन फिर भी एक लंबे अरसे तक भारत में 30-35% तक गाड़ियों की प्रोडक्शन करना चेन्नई के लिए बड़े ऑनर की बात है। आपका कीमती वक्त शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो पर रहना चाहते हैं तो अपने कीमती कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।